नमस्कार साथियों, बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे, सर क्या हमारा यूपीटेट सीटेट वैलिड होगा इस बार अगर पेपर देते हैं? क्या सर बता दीजिए सर रिजल्ट कब आने वाला? रिजल्ट तो हम बता ही दिए हैं आपको, लेकिन आज हम यहाँ पे चर्चा यह करेंगे साथी, क्या आपका यूपीटेट सीटेट वैलिड होगा? क्या किनका वैलिड होगा रिजल्ट आने के बाद और किनका नहीं होगा रिजल्ट आने के बाद, सारी बातें हम कर लेते हैं। और रिजल्ट आपको पता है कि जुलाई लास्ट तक ही आएगा साथी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग लगे रहे पढ़ाई में, हमने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास भी प्रोवाइड कर दिए हैं, डेली चल भी रहा है, उससे देखिए फॉलो करिए। सीटेट अगर यूपीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी पूरा का पूरा लेक्चर दे दिया गया है, आप उसे भी फॉलो करिए बिल्कुल फ्री, ठीक है? कोई भी चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है साथी? देखिए बच्चों, जिसका अगर बात करें, लोगों आप लोग का कहना है कि सर बताइए हमारा यूपीटेट वैलिड होगा कि नहीं। कुछ बच्चे तो यह कह रहे हैं सर यूपीटेट अगर मान लीजिए आ जाता है, यूपीटेट सीटेट, यूपीटेट यूपीटेट और सीटेट मान लीजिए आ जाता है और हमारा रिजल्ट जो है सेकेंड सेमेस्टर का नहीं आता है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? सारी बातों पर चर्चा करेंगे, आप लोग लास्ट में बने रहिए। पहले बात कर लेते हैं किनका वैलिड होगा। देखिए साथी, सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो चाहे रीट हो, है ना, यह दोनों एग्जाम, तीनों एग्जाम, यह एक तरह से शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। इसको बिना पास किए आप सुपरटेट में नहीं बैठ सकते, है ना? प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो चाहे जूनियर हो, इसमें नहीं बैठ सकते आप, पास तो करना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे डीएलएड और बीएड किए हैं, पहले तो उनको सेकेंड सेमेस्टर तक उनके पास रिजल्ट होना चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर तक उनके पास रिजल्ट होना चाहिए, भाई समझ रहे हो ना? सेकेंड सेमेस्टर तक रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। रिजल्ट का आ जाने के बाद आपके नोटिफिकेशन का डेट आना चाहिए, इस बात को याद रखना, यही तो कह रहा है भाई। नहीं बच्चों, थोड़ा ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अगर आपका रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट मान लीजिए आ जाता है, आज के डेट में अगर आता है और नोटिफिकेशन मान लीजिए दो तीन दिन बाद आती है, तब तो आप वैलिड ऐसे भी रहोगे। लेकिन साथी, यह नोटिफिकेशन पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन सीटेट का आ गया और यूपीटेट का भी आ गया, यूपीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया, दोनों का नोटिफिकेशन आ गया, यूपीटेट का भी और सीटेट का भी, लेकिन आपका रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर का भी नहीं आया है, रिजल्ट आपका सेकेंड सेमेस्टर का नहीं आया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका यूपीटेट सीटेट नहीं अप्लाई करोगे? अप्लाई करोगे साथी, क्योंकि जो यूपीटेट सीटेट का रिजल्ट है वह अगर 3 महीने बाद आने वाला है और आपका रिजल्ट लगभग 10-20 दिन बाद आने वाला है, जुलाई में ही तो रिजल्ट आएगा और जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आने वाला है इन दोनों का। अगर जुलाई के आसपास में आपका रिजल्ट आता है सेकंड सेमेस्टर का, जुलाई के आसपास इन दोनों का नोटिफिकेशन आता है, अगर इन दोनों का नोटिफिकेशन पहले भी आ जाता है, आपका रिजल्ट बाद में आता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि इसका रिजल्ट बाद में आ जाए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसका नोटिफिकेशन भले ही पहले आ जाए, इसके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के आने से पहले अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप वैलिड होगे, हर कंडीशन पर वैलिड होगे, बशर्ते कि इसमें क्या देखा जाता है साथी, अगर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आ चुका है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आ चुका है या फिर ना भी आया है, सर कह लीजिए, या फिर जो आपका यूपीटेट सीटेट का रिजल्ट है, यूपीटेट सीटेट जो सीटेट का रिजल्ट है, इन दोनों का रिजल्ट इतने याद रखना सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद आना चाहिए। हमारी बातों को समझे ना, कि नोटिफिकेशन हमने क्या बोला, जो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है डीएलएड हो चाहे बीएड हो, उनका रिजल्ट यूपीटेट सीटेट के रिजल्ट के बाद आना चाहिए, तब जाके आप वैलिड हो जाओगे। और वैलिड तो हो ही, रिजल्ट तो जुलाई में आ जाएगा और इसके नोटिफिकेशन जुलाई में आने वाले हैं, तो वैलिड तो हो गए ना। बस ये याद रखना, बहुत सारे प्रशिक्षु का कहना है सर नोटिफिकेशन से पहले आ जाना चाहिए हमारा रिजल्ट, भाई नोटिफिकेशन से पहले आए चाहे ना आए, लेकिन रिजल्ट तो बाद में आ रहा है यूपीटेट सीटेट का आपके रिजल्ट से, तो आप वैलिड हो, वैलिड हो। अब फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करो बच्चों, आप कितने बच्चे तो कह रहे हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर में है सर, सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हम भर सकते ना भाई, सेकंड सेमेस्टर पूरा क्लियर होना चाहिए तभी जाके आप यूपीटेट सीटेट भर सकते हो। और यह नहीं जरूरी कि भाई इसका रिजल्ट आने वाला है और इसका नोटिफिकेशन आ गया तो आप अप्लाई नहीं करोगे, अप्लाई करोगे, क्योंकि इसका रिजल्ट आ ही जाएगा 10-15 दिन में और इसका रिजल्ट 2 महीने बाद आएगा, मतलब इसका रिजल्ट लेट आना चाहिए इसके रिजल्ट से, तब आप वैलिड होगे। यह चीज़ ये तो आपके सामने होने ही वाला है, तो आप भरोगे, क्यों नहीं भरोगे, आप वैलिड होगे। यह रही पूरी बात, अगर आपको समझ में आए, छोटी सी बात थी बच्चों, मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको समझ में आया हो तो हर एक छोटी छोटी बात को जब हम आपको समझाते हैं तो आपको लगना चाहिए कि यह फैमिली हमारी है, हमारे जो डाउट है सर क्लियर करते हैं, तो आपको एक उम्मीद से हम जुड़े हुए हैं आपसे, और यह आपकी फैमिली बड़ी होनी चाहिए। आपके लिए सीटेट यूपीटेट के क्लास भी लगाए गए हैं, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एसएसटी भी स्टार्ट कर दिया गया, साइंस भी स्टार्ट कर दिया गया है, मैथ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट है, देखिए उसे आप।
और मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जुड़ जाइए। धन्यवाद।